अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रमजान मुबारक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रमजान की मीनिंग जो होती है वो होती है स्कॉर्चिंग हीट। रमजान मीनिंग स्कॉर्चिंग हीट, या इसे कहते हैं द हॉट मंथ। फास्ट की मीनिंग क्या होती है? फास्ट ये जनरली एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बाद आता है फास्ट कौन। दूसरा वर्ड जो है वो स्वाम कहते हैं, उसकी मीनिंग होती है बी एट रेस्ट। जो फास्टिंग हुई थी ये ओब्लिगेटरी कब हुई थी? तो ये ओब्लिगेटरी हुई थी शोबान में। शोबान आई थिंक ये 10 थी, 10th शोबान को, और 624 AD। अब हमें याद करना चाहिए कि जो माइग्रेशन हुई थी या जिससे हमारा हिजरी कैलेंडर शुरू होता है वो होता है 622 AD से। रोजे के तहकाम में वो तीन मराहिल में आए हैं, तो जाती है फर्स्ट स्टेज क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कहा कि आप जो हैं वो अशूरा के दिन रोजा रखें, अशूरा डे फॉर फास्टिंग। अब ये अशूरा का दिन कौन सा होता है? ये होता है 10th मुहर्रम। 10th मुहर्रम पे क्या हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जूस को देखा तो वो क्या करते थे कि वो बिलीव करते थे कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को जब फ्रॉन से निजात मिली तो वो 10 मुहर्रम का दिन था। तो इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया और इस पे रोजा रखने का हुक्म दिया। तो सहाबा को ये हुक्म मिला। अब जो मौसिस अलैहिस्सलाम वाले जो जूस जो रोजा रखते हैं, जूस जो फास्टिंग करते हैं 10 अशूरा के दिन को, उसे हम कहते हैं किपिर, यौम किपिर उसे कहा जाता है। अब जो सेकंड स्टेज था उसमें मुस्लिम्स को क्या हुआ कि ऑर्डर हुआ टू फास्ट और फीड अ पुअर। और थर्ड स्टेज में जो थर्ड स्टेज हुआ मुस्लिम्स में, उसमें क्या था ऑर्डर था कि जो अशूरा का रोजा था या जो फास्टिंग थी वो ओब्लिगेटरी हो गई, बिकेम ऑब्लिगेटरी, लाजिम हो गई। और जो अशूरा का रोजा था वो क्या हुआ, वो ऑप्शनल हो गया। कुरान पाक में कितनी वर्सेस हैं रमजान के मुताबिक? कुरान में कुल जो है वो 5 वर्सेस आई हैं बकरा की, सूरह बकरा की आयत हमें नोट करनी है 183, 184, 185 और 187 आई है। अब इसमें से एक बात याद करनी है कि 185 जो है आयत नंबर, उसे हम कहते हैं आयाते सियाम। उसके बाद दूसरी जो आती है वो आती है हमारे पास सूरह अल कदर, जिसमें लैलतुल कदर का जिक्र आया है। काफी नेम्स हैं, जैसे हम कहते हैं कदर नाइट, एटलीस्ट इसके 6-7 नाम है, नाइट ऑफ डिग्री, नाइट ऑफ डिग्री, नाइट ऑफ पावर, ये आप चेंज करते जाए, नाइट ऑफ मेजर्स, नाइट ऑफ डेस्टिनी, नाइट ऑफ वैल्यू। के अशराज कितने? तो रमजान में 3 अशराज होते हैं, रमजान अशरा। पहला कौन सा है जिसे हम कहते हैं अशराए रहमत, दूसरा आ जाता है हमारे पास अशराए मगफिरत, और थर्ड वन हमारे पास जो आ जाता है वो है अशराए निजात। अब इनके जो इंग्लिश में नेम्स हैं वो रहमत में आ जाता है मर्सी, मर्सी, मगफिरत मीन्स फॉरगिवनेस, और निजात में आ जाता है हमारे पास रिफ्यूज।
से आगे चलते हैं तो हमारे पास तीन टाइप्स के फास्टिंग आ जाते हैं। कितनी टाइप्स है? टाइप्स ऑफ फास्टिंग, टाइप्स ऑफ फास्टिंग। तो ये भी तीन है, कौन कौन से? एक ऑब्लिगेटरी लाजिम, दूसरी हमारे पास आ जाती है वाजिब, और तीसरी हमारे पास आ जाती है नफिल। अब जो है इस्लाम में वो 5 डेज जो हैं उनमें प्रोहिबिट है, 5 डेज प्रोहिबिशन ऑफ फास्टिंग। तो वो कौन कौन से दिन है? डे ऑफ ईद उल फितर, कि आप इन दिनों में रोजा नहीं रख सकते, डे ऑफ ईद उल उदा, और 3 डेज जो होते हैं वो जुलहिज्जा के, कौन कौन से? 11, 12 और 13 डेज ऑफ जुलहिज्जा। अब मेरे लिए क्वेश्चन आता है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम ने कितने रोजे रखे थे? तो फास्ट बाय प्रॉफेट ईसा, तो वो थे टोटल 40 फास्ट। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि जो हजरत ईसा अलैहि सलाम थे उन्होंने कहाँ पे रोजे रखे थे? तो वो हमें याद करने चाहिए कि उन्होंने डिजर्ट जो था उसमें रोजे रखे थे 40। और फर्स्ट ऑफ ऑल दुनिया में पहली दफा किसने रखे थे? फास्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, फॉर फर्स्ट टाइम, तो वो थे प्रोफेट नूह। सलाम थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो सबसे ज्यादा बिलव्ड फास्टिंग है या जो बिलव्ड फास्टिंग अल्लाह को लगती है वो कौन से प्रोफेट है? तो वो है प्रोफेट दाऊद अलैहिस्सलाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रमजान वर्ड जो है ये कुरान में कितनी दफा आया है? रमजान वर्ड इन कुरान, तो रमजान वर्ड जो कुरान में है वो एक दफा आया है। अब रमजान में जो हमारे पास फेमस पर्सनालिटीज आ जाती हैं उनमें 10th रमजान जिसमें हजरत खतीजा की जो थी वो डेथ हो गई थी 10th रमजान, और ये 619 AD हुजूर करीम की हिजरत के 3 साल पहले आपकी जो थी वो वफात हो गई थी। उसके बाद 15th रमजान 625 AD हिजरत के 3 साल बाद जो थे वो हजरत हसन पैदा हुए थे, हजरत हसन बॉर्न। और इसके बाद 19th रमजान 661 AD वो हजरत अली जो थे उनको शहीद किया गया था, हजरत अली मार्टियर्ड। ये बैटल ऑफ बदर जो हुई थी 17th रमजान 624 AD को। और जो बैटल ऑफ बदर है वो उसका जिक्र किस में आया है? सूरह अल इमरान में। उसके बाद हमारे पास एक मेजर इवेंट हुआ था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फतेह मक्का हम जिसे कहते हैं, वो हुआ था 20 रमजान 630 AD। ये भी फेमस जो इवेंट्स थे रमजान में हुए। जो तरावी है वो किसने अरेंज करवाई? तरावी अरेंज्ड बाय, तो ये थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर मीनिंग तरावी मींस टू रेस्ट।
फास्ट अगर कोई तोड़ देता है रोजा तो उसकी क्या सजा होती है? ब्रेकिंग फास्ट, तो उसकी सजा होती है कि 60 कंटिन्यूअस रोजे रखे, कंटिन्यूअस फास्ट, या तो फिर 60 जो पीपल है उनको खाना खिलाए। और एक इसमें आता है कि इतिकाफ क्या है, क्वेश्चन आता है इतिकाफ इज, तो इतिकाफ एक सुन्ना है जो है वो हदीस के हिसाब से क्या है, तो फास्टिंग इज अ शील्ड बाय हदीस। दूसरा आता है कि फास्टिंग, आई थिंक ये कुरान की है कि फास्टिंग जो है वो एक आर्मर की तरह काम करता है, या हदीस में साबित है। जो ईद उल फितर होती है उसकी मीनिंग क्या होती है? ईद उल फितर मीनिंग मीन्स ब्रेकिंग फास्ट, ब्रेकिंग फास्ट। रिवार्ड जो होता है वो रमजान में कितना मिलता है एक नेकी के ऊपर, रिवार्ड इन रमजान, तो रिवार्ड होता है 10 to 700 times। रमजान का दूसरा नाम क्या है? तो रमजान आल्सो कॉल्ड इज सईदुस शहूर, सईदुस शहूर रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। कौन सी? एक होती है अफ्तार, अफ्तारी, और दूसरी खुशी होती है अल्लाह से मुलाकात, अल्लाह से मुलाकात। नाम दिया था वो था रमजान को, प्रॉफिट ने कहा था मंथ ऑफ एम्पैथी, मंथ ऑफ एम्पैथी। ये क्या है? ये हदीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरकान ने रोजा कितने हैं? तो अरकान ने रोजा 3 हैं, अरकान ने रोजा ये 3 हैं, जिसमें प्रोहिबिशन होती है हमें ईटिंग, ड्रिंकिंग, और थर्ड वन इंटरकोर्स थे प्रॉफिट पीस पी अपॉन हिम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किन दिनों में फास्टिंग करते थे? तो यूजुअली आप करीम मंडे एंड थर्सडे पे फास्टिंग ज्यादा करते थे। प्रॉफिट केप्ट नफली रोजे एवरी मंथ, तो ये होते थे 3 days। नफिल इज इक्वल टू फर्ज इन रमजान। ये पीरियड के बारे में कि नफिल पीरियड इज इक्वल टू फर्ज पीरियड इन रमजान। उसके बाद आता है कि सिमेल ऑफ फास्टिंग, सिमेल ऑफ फास्टिंग पर्सन उसको क्या कहते हैं? मुस्क या मुस्क कहते हैं। फास्टिंग हम कर सकते हैं वॉलंटरी फास्टिंग डेज कौन से हैं? वॉलंटरी फास्टिंग डेज हमारे पास कौन से आ जाते हैं? तो वो हैं एनी सिक्स डेज इन इस्लामिक मंथ ऑफ शवाल, या 13, 14 और 15th डे ऑफ ईच मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डे ऑफ अरफा पे, डे ऑफ अरफा पे ऑफ एन रजब एंड
खरीदा। बताते हैं कौन सी जगह पर इत्तेकाफ करना सबसे अफजल है, सबसे अफजल है? तो वो है खाना काबा में, खाना काबा में, और ये चीज हदीस है। उसके बाद आता है किस इबादत का अजर तवादा अल्लाह ताला ने खुद किया है, तो वो रोजा है। कौन सी रात ने खुद जानता है कि कौन सी रात हजार महीनों से बेहतर है, तो वो है शब्बे कदर। शब्बे कदर या जिसे हम लैलतुल कदर कहते हैं, वो फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ फास्टिंग इज, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम है, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। और जो इसमें जन्नत के हम जानते हैं कि कितने डोर हैं, जन्नत डोर्स आर 8, तो फोर्थ डोर जो है, फोर्थ डोर जिसका नाम है बाब अर्रयान, वो सिर्फ उनको मिलेगा जो फास्टिंग करते हैं। तो ये रोजा जो है वो हम या बदन की ज़कात इसे कहते हैं, बदन की ज़कात। ये भी हदीस है कि बदन की ज़कात किसे कहा जाता है, रोजा नमाज ये ऑप्शन आ जाते हैं। रोजे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोजे किस वाके के बाद फर्ज हुए? तो ये हमारे पास आता है तहवील काबा, जब डायरेक्शन ऑफ काबा चेंज हुई थी, जब